हेलो एवरीवन वेलकम टू ऑल राउंडर सिबलिंग्स जैसा कि आप सभी को पता है हमने लास्ट लेक्चर में ज्योग्राफी आईसीसी बोर्ड क्लास सेवन स्टार्ट करी थी और फर्स्ट पार्ट में ही फर्स्ट लेक्चर में ही हमने फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया था ठीक है स्टडी हो गया था वो चैप्टर अच्छे से अब हम आज इस लेक्चर में करेंगे पूरी एक्सरसाइजेस फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स ठीक है तो एक्सरसाइज हम करते हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स के साथ सभी के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें चलिए स्टार्ट करते हैं देखिए सबसे पहले एक्सरसाइज में हमारे फिलिंदा ब्लैंक्स जिसमें सबसे पहला इन अ मैप मैप में अ ग्रेजुएटेड स्ट्रेट लाइन एक ग्रेजुएटेड स्ट्रेट लाइन होती है विच शोज द रिलेशन बिटवीन मैप डिस्टेंस एंड द ग्राउंड डिस्टेंस जो रिलेशन दिखाती है मैप डिस्टेंस और ग्राउंड डिस्टेंस के बीच में तो उस ग्रेजुएटेड स्ट्रेट लाइन को हम क्या बोलते हैं लीनियर स्केल है ना इन अ मैप अ वर्टिकल लाइन हुज अपर मोस्ट पॉइंट हैज एन एरो मार्क विद द लेटर एन इज द मैप में एक वर्टिकल लाइन होती है ऐसे ठीक है जिसके अपर मोस्ट पॉइंट पर एक एरो होता है तो और उस पर एन मार्क लिखा रहता है एन ठीक है तो वो एन क्या होता है नॉर्थ ठीक है नॉर्थ डायरेक्शन शो शो करता है द डायरेक्शन बिटवीन द नॉर्थ एंड ईस्ट इज़ नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच में कौन सी डायरेक्शन आएगी नॉर्थ ईस्ट आएगी है ना इन अ ग्रिड द नेम ऑफ अ सेल कम्स फ्रॉम द लाइन्स दैट फॉर्म इट्स डैश कॉर्नर ग्रिड में सेल का जो नेम होता है वो उन लाइन्स से आता है वो लाइन्स से आता है दैट फॉर्म वो लाइन्स क्या बनाती हैं साउथ वेस्टर्न कॉर्नर बनाती हैं समझ में आया ग्रिड में सेल का जो नेम आता है लाइन्स से आता है ठीक है लाइन्स से आता है और उससे साउथ वेस्टर्न कॉर्नर बनता है इन फिज़िकल मैप्स फिजिकल मैप्स में शेड्स ऑफ डैश आर यूज टू शो लो लैंड और प्लेन्स लो लैंड और प्लेन्स शो करने के लिए कौन से कलर का यूज़ किया जाता है ग्रीन कलर के शेड्स का यूज़ किया जाता है ठीक है बताया था ना जहाँ पर डार्क कलर होगा वहाँ पर ग्रेटर प्लेन्स दिखाए गए हैं ठीक है थीके? और जहाँ पर लाइट शेड्स होंगे वो वहाँ पर लो लैंड दिखाए गए हैं द डैश ऑफ अ मैप हेल्प अस अंडरस्टैंड द कन्वेंशनल सिम्बल्स यूज ऑन दी मैप मैप में जो कन्वेंशनल सिम्बल्स बने होते हैं वो हम किसके थ्रू समझ सकते हैं की ऑफ अ मैप मैप की जो की होती है उसके थ्रू हम उस चीज़ को समझ सकते हैं तो ये हो गए हमारे फिल इन द ब्लैंक्स अब हम करते हैं चूज दी करेक्ट ऑप्शन जिसमें सबसे पहले वॉट काइंड ऑफ मैप शोज अ स्मॉल एरिया इन डिटेल अब मैप के हमने दो टाइप्स पढ़े थे लार्ज स्केल मैप पढ़ा था और एक पढ़ा था हमने स्मॉल स्केल मैप है ना तो कौन सा मैप ऐसा होता है जो स्मॉल एरिया को डिटेल में दिखा सकता है छोटे से एरिया को डिटेल में दिखा सकता है तो वो कौन सा मैप होता है स्मॉल स्केल मैप होता है लार्ज स्केल मैप होता है पॉलिटिकल मैप होता है या फिजिकल मैप तो होता है आपका लार्ज स्केल मैप समझ में आया तो लार्ज स्केल मैप होता है जिसमें एक छोटे से एरिया को डिटेल में दिखाया जा सकता है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू मीज़र डिस्टेंस ऑन अ मैप इनमें से किसका यूज़ किया जा सकता है मैप पर डिस्टेंस मीज़र करने के लिए ठीक है हमने बहुत सारे तरीके देखे थे मैप पर डिस्टेंस मीजर करने के तो रूलर का यूज़ करते हैं पेपर विद अ स्ट्रेट एज स्ट्रिंग और एनी ऑफ दिस तो हम एनी ऑफ दिस बोलेंगे क्योंकि हमने रूलर के थ्रू कैसे हम मीज़र कर सकते हैं स्ट्रिंग से भी मीज़र किया था और पेपर विद अ स्ट्रेट एज से भी मीज़र किया था नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू फॉर अ टोपोग्राफिक मैप टोपोग्राफिक मैप के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है इट शोज नेचुरल फीचर्स टोपोग्राफिक मैप में तो नेचुरल मैनमेड दोनों दिखाते हैं तो नेचुरल फ़ीचर्स शो करता है इट शोज फीचर्स फीचर भी शो करता है इट इज अ स्मॉल स्केल मैप ये स्मॉल स्केल मैप नहीं होता तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है यहाँ पर ठीक है ये आपका लार्ज स्केल मैप होता है तो ये इसका सही आंसर है इट इज अ स्मॉल स्केल मैप द वर्टिकल लाइन्स ड्रॉन इन रेड और ऑन अ टोपोग्राफिक मैप आर कॉल्ड टोपोग्राफिक मैप में जो रेड कलर से वर्टिकल लाइन्स ड्रा करी जाती है उन्हें हम क्या बोलते हैं नॉर्थिंग्स ईस्टिंग्स मेरिडियंस और पैर तो उन्हें हम बोलते हैं मेरिडियंस ठीक है Meridians. जो वर्टिकल लाइन्स ड्रा करी जाती है रेड से कौन से मैप्स में टोपोग्राफिक मैप्स में वाई गिविंग अ फोर फिगर ग्रिड रेफरेंस फोर फिगर जब हम ग्रिड रेफरेंस देते हैं हमने सीखा था ना वी फर्स्ट कॉड द नंबर ऑफ दी अप्रोप्रिएट हम नंबर जो देते हैं पहला जो नंबर देते हैं वो कौन सा वाला देते हैं मेरिडियन का नॉर्थिंग का ईस्टिंग का और कॉन्टोर का तो ईस्टिंग का नंबर देते हैं याद है पहले ईस्टिंग फिर नॉर्थिंग का लिखते हैं द सॉरी इन टोपोग्राफिक मैप्स विच एरियाज आर यूजली लेफ्ट वाइट टोपोग्राफिक तो मैप में किस तरह के एरिया को वाइट छोड़ा जाता है अनकल्टिवेटेड लैंड को छोड़ा जाता है है ना अनकल्टिवेटेड लैंड को वाइट ही छोड़ दिया जाता है द दी लाइनिंग प्लेस ऑफ इक्वल हाइट अबव सी लेवल ऑन अ मैप आर वो लाइन्स जो सी लेवल से जो मैप पर सी लेवल से इक्वल हाइट की एरिया दिखाता है उसे हम क्या बोलते हैं नॉर्थिंग ईस्टिंग ग्रेड और कॉन्टोर्स तो हम बोलते हैं कॉन्टोर्स ठीक है Contours, तो हमारे एम सी क्यू जो हम करते हैं फिलिंग द ब्लैंग्स तो क्या सॉरी फिलिंग द ब्लैंग्स नहीं है क्या है ये मैचिंग्स स्टडी द की ऑफ फिगर वन पॉइंट एट वन पॉइंट एट फिगर में जो की दी हुई है उसे स्टडी करिए और मैच match, मैचिंग्स करनी है ठीक है तो वहाँ पर की दी हुई थी हमने देखा था टोपोग्राफिक मैप का जो पार्ट दिखाया हुआ वा था वहाँ पर बहुत बड़ी क़ी दी हुई थी तो उसी को शो करना है आप मैचिंग्स करनी है उसी को स्टडी करके टाउन और विलेज टाउन और विलेज जो हम ऐसे शो करते हैं ठीक है थीके? ये वाला मेटल रोड मेटल रोड को हम इस तरीके से दिखाते हैं ब्रॉड गॉज रेलवे रेलवे कैसे दिखाते हैं हम ये ब्रिज ब्रिज ये हम इस तरीके से दिखाते हैं एम्बेंकमेंट ठीक है ड्राई टैंक इस तरीके से दिखाते हैं शो करते हैं हम लाइंड वेल विद वाटर वेल लाइंड वेल विद वाटर जिसमें पानी है वो हम इस तरीके से दिखाते हैं ट्री हम इस तरीके से दिखाते हैं ठीक है तो ये कुछ सिंबल्स होते हैं कन्वेंशनल सिंबल्स जो सभी के द्वारा पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड हैं सभी को यही बनाने होते हैं और ये की बनानी आपको मैप में बहुत ज़रूरी होती है ठीक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं स्टडी फिगर वन पॉइंट एट एंड आंसर द फॉलोइंग वन पॉइंट एट फिगर आपको स्टडी करने है और ये सभी आंसर करने हैं ठीक है वन वॉट इज़ द स्केल ऑफ द मैप चूज फ्रॉम स्केल क्या है मैप का मैप का स्केल हमने पढ़ना से देखा था तो कौन सा है मैप का स्केल देखते हैं हम डायग्राम में देखते हैं अपने फिगर में ठीक है देखिए आपको ये मैप दिखाया हुआ था इसका स्केल यहाँ पर आपको थोड़ा सा जूम करके देखना पड़ेगा यहाँ पर ये लिख रहा है ना स्केल वन रेशियो फिफ्टी थाउजेंड तो इसका आंसर क्या होगा वन रेशियो फिफ्टी थाउजेंड उन ऑप्शन में है या नहीं है वो हम ये देखते हैं तो ये रहे ऑप्शन और इसमें वन लैख फिफ्टी वो सॉरी वन रेशियो फिफ्टी थाउजेंड आपका स्केल दिया हुआ है हाउ इज द स्केल शोन चूज फ्रॉम स्केल कैसे दिखाया गया है वहाँ पर स्टेटमेंट एज अ रेशियो एज अ ग्रेजुएटेड स्ट्रेट लाइन इन ऑल दीज वेज तो हमने थ्री वेज पढ़े थे जिसमें हम स्केल को शो कर सकते हैं स्टेटमेंट के रूप में भी लिखा हुआ है वहाँ पर रेशियो के फॉर्म में भी लिखा हुआ है और ग्रेजुएटेड स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में भी लिखा हुआ है तो इन ऑल दीज वेज इज द करेक्ट आंसर व्हाट इज द एरिया रिप्रेजेंटेड बाई ईच ग्रिड स्क्वायर चूज फ्रॉम हर एक ग्रिड स्क्वायर के द्वारा जो एरिया दिखाया गया है जो रिप्रेजेंट किया गया है वो कौन कितना एरिया दिखाया हुआ है वन स्क्वायर किलोमीटर आपको वहाँ पर शो किया हुआ है ठीक है बेस्ड ऑन दी कलर्स कलर्स के बेसिस पर हाउ वुड यू डिस्क्राइब द एरिया इन ग्रिड स्क्वायर ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी ग्रिड स्क्वायर ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी में क्या चीज दिखाई हुई है आपको वो बताना है मेनली फार्म लैंड दिखाया हुआ है फॉरेस्टेड लैंड दिखाया हुआ है वेस्ट लैंड दिखाया हुआ है या बेड ऑफ अ वाटर बॉडी दिखाया हुआ है तो अभी हम देखते हैं ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी ग्रिड स्क्वायर रेफरेंस दिया हुआ है ठीक है कैसे शो करेंगे क्या दिखाया हुआ है देखिए देखिए ट्वेंटी सिक्स है ना ट्वेंटी सिक्स एंड ट्वेंटी बोल रहा है आपसे ट्वेंटी सिक्स एंड ट्वेंटी क्या शो कर रहा है यहाँ पर ये देखिए रहा एंड ऐसे और ऐसे यही होता है ना तो ट्वेंटी आपको मेनली फॉरेस्टेड लैंड दिखा रहा है ग्रीन कलर है ना तो ग्रीन कलर क्या शो करता है फॉरेस्टेड लैंड शो करता है तो इसका करेक्ट आंसर है मेनली फॉरेस्टेड लैंड ये एरिया शो कर रहा है अब आपसे फोर फिगर ग्रिड रेफरेंस पूछ रहा है फोर फिगर ग्रिड रेफरेंस लिखते हैं तो द विलेज नेम्ड असावा असावा विलेज जो दिखाया हुआ है उसके ग्रिड रेफरेंस कैसे लिखेंगे वो देखते हैं अब असावा के देखना है आपको असावा ढूंढिए पहले आप यहाँ पर ये यह हो गया आपका असावा यहाँ पर लिख रहा है असावा तो ग्रेड रेफरेंस कैसे लिखते हैं पहले ईस्टिंग्स देन नॉर्थिंग्स तो ईस्टिंग्स में आपका क्या हो गया ट्वेंटी है ना इधर आ रहा है ये देखिए ऊपर यहाँ पर इस वाली लाइन में जहाँ पर असावा है इस वाली लाइन में कौन सा नंबर दिखाया हुआ है यहाँ पर ट्वेंटी टू दिखाया हुआ है और ऐसे यहाँ पर आपको ट्वेंटी थ्री शो किया हुआ है तो आपका रेफरेंस नंबर क्या हो गया ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ठीक है फॉर असावा विलेज ओके नेक्स्ट पूछ रहा है पार्ट ऑफ सिपू नदी विच वॉज वाटर एंड विच हैज़ वाटर एंड एम्बैकमेंट एंड अ टेम्पल ऑन दी बैंक सिपू नदी के बारे में पूछ रहा है एक सिपो नदी का एक पार्ट जिसमें वाटर है एम्बैंकमेंट्स है और उसके किनारे पर क्या है टेम्पल है पार्ट ऑफ सिपू नदी सिपू नदी पर देखते हैं क्या है सिपू नदी कहाँ है देखिए सिप्पू नदी यहाँ पर दिखा रहा है तो पहले ईस्टिंग्स देखते हैं नाइनटी एंड नाइनटीन एंड देन फिर आपका आ रहा है ट्वेंटी ठीक है नाइनटीन एंड ट्वेंटी तो योग इस तरीके से आप ग्रिड रेफरेंस पता कर सकते हैं नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या रहा है? आप, बोल रहा है ट्राई करना अपने आप ठीक है एन आईलैंड विद अ ट्री इन सिपो नदी एक आईलैंड बोल रहा है जिसमें ट्री है सिपो नदी में है ट्वेंटी ट्वेंटी वन उसका ग्रिड रेफरेंस बनेगा पोस्ट ऑफिस है नाइनटीन ट्वेंटी थ्री उसका ग्रिड रेफरेंस बनेगा यह सभी आपको सर्च करने पड़ेंगे फिर आपको ग्रिड रेफरेंस लिखना है ग्रिड रेफरेंस कैसे लिखते हैं ये आपको बता ही दिया है ड्राई टैंक नियर अ पैक ट्रैक एटीन ब्रिज ऑन दी कैनाल बिटवीन सिपु नदी एंड सुकली नदी जो ब्रिज बना हुआ है सिपु नदी और सुकली नदी के बीच में वो 1922 ट्वेंटी टू वेल विद वाटर इन अ पैच ऑफ स्टोनी वेस्टलैंड लैंड बिसाइड दी रोड टू सिरोही एक कुआ बना हुआ है जिसमें पानी है ठीक है और स्टोनी वेस्ट वेस्टलैंड बना हुआ है सिरोही की सड़क के किनारे तो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है नेम फॉलोइंग विलेज इन द्रिट स्क्न में कौन सा बुरा खेड़ा थ्री मैन मेड फीचर्स इन द ग्रिड स्क्वायर ट्वेंटी ट्वेंटी जो ग्रिट स्क्न मेड फीचर्स है वो है सनवारा वाटर बॉडी विद एम्बैंकमेंट्स इन द ग्रिट स्क्टी फाइव ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी थ्री में वाटर बॉडी कौन सी उडवारिया टाइप ऑफ वेजिटेशन शोन इन दी ग्रेड स्क्वायर ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू ट्वेंटी सिक्स में कुछ टाइप का वेजिटेशन दिखाया हुआ है ओपन स्क्रब दिखाया हुआ है ठीक है फीचर दैट पास अंडर द ब्रिज इन द ग्रिड स्क्वायर नाइनटीन ट्वेंटी टू नाइनटीन ट्वेंटी ग्रिड स्क्वायर में ब्रिज के नीचे से कौन सा फीचर दिखाया हुआ है कैनाल टू नेचुरल फीचर्स इन द ग्रिड स्क्वायर ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स में दो नेचुरल फीचर्स तो कल्टीवेटेड लैंड वहाँ पर शो किया हुआ है और कौन सा शो किया हुआ है वहाँ पर तो यहाँ पर आपको कल्टिवेटेड लैंड ही शो किया हुआ है तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन आंसर्स शॉर्ट लॉन्ग एंड डिफरेंस करेंगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ थैंक यू